नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में फरियादी की बात सुन मुख्यमंत्री हुए हैरान। भागलपुर के इस बेटे ने बिहार का नाम किया रोशन। अब 15 नहीं बल्कि 23 बीमारियों के इलाज का खर्च होगा वापस। मदरसा शिक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने बढ़ाई चिंता। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में फरियादी की बात सुन मुख्यमंत्री हुए हैरान। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में जनता की शिकायतों को सुनते देखे गए। आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, गन्ना विकास, जल संसाधन, भवन निर्माण सहित कई मामलों को सुना। इस बीच एक फरियादी ने भवन निर्माण मामले में जुड़ी शिकायत की, जिसमें उसने बताया कि इंदिरा आवास मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसे सुनकर नीतीश कुमार भी हैरत में पड़ गए। युवक ने जब ये बात कही तो मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि देखिए जरा ये सब क्या हो रहा है, आखिर इंदिरा आवास मांगने पर धमकियां क्यों दी जा रही है, इसकी पड़ताल की जाए। भागलपुर के इस बेटे ने बिहार का नाम किया रोशन। एक बार फिर से बिहार के एक बेटे ने बिहार का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि भागलपुर के आकाश ने कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो हुनरबाज का खिताब जीत लिया। इसके लिए आकाश को इनाम के तौर पर 15 लाख रुपए का चेक भी मिला। इसके बाद रियलिटी शो हुनरबाज के ग्रैंड फिनाले में नीतू सिंह और नोरा फतेही ने आकाश को ट्रॉफी दी। आकाश ने बताया कि इनाम से मिले पैसे से वो माँ पापा के लिए घर बनवाएंगे। उनसे पहले वो अपने माता पिता को मुंबई की सैर भी करवाएंगे। आकाश ने कहा है कि इंसान अगर चाहे तो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। गरीबी किसी की सफलता की राह का रोड़ा नहीं बन सकता, बस करने की लगन होनी चाहिए। अब 15 नहीं बल्कि 23 बीमारियों के इलाज का खर्च होगा वापस। सरकारी कर्मचारियों को नीतीश कुमार की तरफ से तोहफा मिला है। अब इन्हें 15 के बजाय 23 बीमारियों के इलाज का खर्च वापस होगा। बिहार सरकार ने अब 8 और बीमारियों को इसमें शामिल किया है। अब सरकारी अधिकारियों और कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए इलाज कराना आसान हो गया है। अब से 23 रोगों के इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी की जा सकेगी। ये लाभ राज्य के करीब 4,05,000 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और उनके आश्रितों को मिलेगा। इसके संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव शैलेश कुमार ने पत्र जारी कर दिया है। सरकारी कर्मियों को इलाज के लिए विभागीय स्तर से ही मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। राज्य के करीब 605 स्कूल और कॉलेजों ने नहीं दिया उपयोगिता प्रमाण पत्र। बिहार के करीब 605 स्कूलों और कॉलेजों ने अनुदान लेने के बाद उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। इसमें 140 कॉलेज और कुल 465 स्कूल शामिल है। इसके बाद इन स्कूलों और कॉलेजों को इसकी जानकारी दी गई है और बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर इन सभी स्कूलों और कॉलेजों का नाम जारी कर दिया है और जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश भी दिया है। और साथ ही अगर ये कॉलेज और स्कूल पिछले अनुदान का हिसाब किताब नहीं देते हैं तो आगे अनुदान मिलने में दिक्कत हो सकती है। और साथ ही अगर बिहार बोर्ड की माने तो राज्य के 370 स्कूल और कॉलेज की संबद्धता इस साल समाप्त हो जाएगी। बिहार में पड़ रही है भीषण लू, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार के दक्षिणी भाग में गर्मी और सूरज की तपिश ने तांडव मचा रखा है। राजधानी पटना की बात करें तो यहां का तापमान 42 डिग्री के ऊपर चला गया है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मौसम विभाग की माने तो गर्म पछुआ हवा का प्रवाह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों तक प्रदेश में गर्म हवा का प्रवाह जारी रहेगा। साथ ही दक्षिण बिहार के 10 शहरों में लू का प्रवाह भी जारी रहने वाला है। मौसम विज्ञानियों की माने तो बिहार में अभी तक का सबसे भीषण लू देखा गया है। इस दौरान लोगों के तबीयत पर भी असर पड़ रहा है। वहीं उत्तर पूर्व जिलों में 72 घंटों के दौरान मेघ गर्जन और बिजली चमकने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। पशु पक्षियों के पेयजल की जिम्मेदारी होगी ग्रामीण स्वयंसेवक के पास। बिहार में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का असर सिर्फ इंसान पर ही नहीं पड़ रहा बल्कि पशु पक्षियों पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में इंसान पशु पक्षी का पानी के बिना इस गर्मी में हाल बेहाल हो सकता है। ऐसे में सरकार भी आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी ध्यान दे रही है। इसी क्रम में इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के पेयजल टैंकों की कमान ग्रामीण स्वयंसेवक को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बने कैटल ट्रफ यानी कि पशु पेयजल टैंक को दुरुस्त कराने की तैयारी में जुट गई है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव ने संयुक्त आदेश जारी कर 20 अप्रैल तक सभी पशु पेयजल टैंकों की रिपोर्ट मांगी है। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने बढ़ाई चिंता। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए कोरोना अपडेट में कुल 70,865 मरीजों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें 5 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें औरंगाबाद के 2, पटना, रोहतास और सिवान के 1-1 मामले की पुष्टि हुई है।
इसके बाद बिहार में अब कुल एक्टिव कोरोना केस के मामले 11 हो गए हैं। वहीं एक मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। इसी के साथ देश भर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी सोमवार यानी कि आज के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 214 लोगों की जान भी गई है, वहीं 1985 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अभी कोरोना के सक्रिय मामले 11,542 हैं। रिटायर्ड ग्रामीण बैंक कर्मियों ने की पेंशन में बढ़ोतरी की मांग। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और कर्मियों ने रिटायर्ड ग्रामीण बैंक कर्मियों के पेंशन की मांग की है। केंद्र सरकार से दक्षिण बिहार के ग्रामीण बैंक रिटायरीज एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित स्थापना अधिवेशन के दौरान बैंक कर्मियों ने ये मांग की। वहीं एसोसिएशन के महासचिव NN ओझा ने इसकी जानकारी भी दी है। पटना के IMA हॉल में आयोजित अधिवेशन में ग्रामीण बैंक कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही इसके निदान के लिए सामूहिक रूप से रणनीति भी तय की गई है। मदरसा शिक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार में मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत मदरसों में कक्षा 12वीं में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी की व्यवस्था बहाल हो गई है। आपको बता दें कि उर्दू भाषा में अब इन मदरसों में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई की जाएगी। वहीं पहली से 8वीं कक्षा की बात करें तो तहतानिया से लेकर के वास्तानिया तक में SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार और 9वीं से 12वीं फोकानिया में मौलवी तक में NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और तैयार किताबें लागू की गई हैं। इस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने मदरसों के छात्रों को दीनी तालीम के साथ आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा से जोड़ने की प्राथमिकता दी है। बिहारवासियों के लिए बस ऑटो में सफर करना होगा और भी महंगा। अब सफर करना और भी महंगा होने वाला है। बिहार के लोगों को बस और ऑटो में सफर करने के लिए भारी भरकम राशि चुकानी पड़ सकती है। मालूम हो कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है और इसी को देखते हुए अब राज्य के परिवहन संगठनों ने किरायों में 30% तक की वृद्धि करने की मांग की है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय सड़क परिवहन कर्मचारी संगठन बिहार की तरफ से किराया वृद्धि की मांग को लेकर खबर लिखे जाने तक आज परिवहन आयुक्त के साथ बैठक करने की तैयारी में है। इनका कहना है कि ईंधन की कीमत में लगातार हो रही वृद्धि से रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में बस एवं ऑटो के किराए में वृद्धि करना बेहद जरूरी हो गया है। हमने किराए में 30% बढ़ोतरी की मांग की है। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी को लेकर जताई चिंता। बिहार की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को देखकर मुख्यमंत्री ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और बिहार की जनता को अलर्ट किया है। CM नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार गर्मी काफी पड़ रही है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ गर्मी और लू के कारण बीमार होने वाले लोगों के इलाज के लिए भी अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं। मालूम हो कि दक्षिण बिहार में सूरज की तपिश और गर्म हवाओं का प्रवाह जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के उप मुख्यमंत्री। एक पत्रकार द्वारा विकास पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भड़क गए। दरअसल बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने अररिया में एक पत्रकार ने जब विकास को लेकर सवाल पूछा तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। उनके बाद सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पत्रकार ने विद्यापति सर्किट से शिव मंदिर सुंदरनाथ धाम सुंदरी को जोड़ने की घोषणा की थी, उस पर क्या हुआ है, इसको लेकर उप मुख्यमंत्री भड़क गए और कहा कि हमें जवाब नहीं देना। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया धार्मिक जुलूस पर रोक लगाने की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने धार्मिक जुलूस पर रोक लगाने की बात कही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और PM मोदी से इसकी मांग की है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हमला हुआ। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 टीमें गठित की हैं, लेकिन इस घटना ने सियासी गहमागहमी बढ़ा दी है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा कि अब वक्त आ गया है जब देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दिया जाए। धार्मिक जुलूसों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है, इसको तुरंत रोकना होगा। इस ट्वीट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी टैग किया गया है। 972 अभ्यर्थियों को आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र। बिहार में नियोजित शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत विशेष चक्र काउंसिलिंग में चयनित हुए 972 अभ्यर्थियों को सोमवार यानी आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये नियुक्ति पत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा। नियुक्ति पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनके CTET और BTET के प्रमाण पत्र की जांच पूरी कर ली गई होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार 30 दिनों के अंदर योगदान देने की अनिवार्यता का जिक्र नियुक्ति पत्र में किया जाएगा। संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षकों का दायित्व होगा कि संबंधित नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र की पुष्टि के बाद ही अभ्यर्थियों के योगदान को मंजूर करे। IPL पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा।
आईपीएल 2022 के इस सीजन पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के तीसरे सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की खबर आई है। इस सीजन का दिल्ली कैपिटल्स को अपना अगला मैच बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है, लेकिन उससे पहले ही टीम को झटका लगा है। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी मिशेल मार्श में कोरोना के सिम्टम्स मिले हैं। इसके बाद पूरी टीम एक बार फिर से क्वारंटीन हो गई है। इसके बाद पुणे के लिए टीम को आज का दौरा भी कैंसिल कर दिया गया है। अब आज और कल खिलाड़ियों के रूम के अंदर उनका कोविड टेस्ट होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, संतोष कुमार, कविता कुमारी, ध्रुव भय कुमार, सनी राज, नीरज कुमार, जितेंद्र ठाकुर, जयप्रकाश साह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको क्या लगता है जीतन राम मांझी द्वारा धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उचित है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।